यार इनकाउंटर यहाँ नहीं होना चाहिए, अपराधियों का इंटरकाउंटर होना चाहिए। वो बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी साथियों, बिहार में कोई अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी देता हूं। भाजपा के लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, इनकाउंटर के नाम पर अपनी ही मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन एनकाउंटर मॉडल की बात करने वाले भाजपाई ये बताएं कि रोजगार मॉडल पर कब बात करेंगे। यूपी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद अब बिहार के भाजपा के नेता भी बिहार में योगी मॉडल लाने की बात करने लगे हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहां भी अपराधियों का एनकाउंटर होगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। कि बिहार को सुंदर बनाना है, बिहार को विकसित करना है, बिहार में तुष्टिकरण चल रहा है, इससे बाहर आना होगा। यार इनकाउंटर यहाँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, अपराधियों का इंटरकाउंटर होना चाहिए। कोई शरीफ आदमी का काउंटर नहीं, इनकाउंटर नहीं हो। अपराधी जो होगा वो बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी साथियों, बिहार में कोई अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी देता हूं। इसलिए साथियों, ये बिहार बनाने का समय है, नया बिहार बनाने की जरूरत है, नए विजन के साथ आने की है जरूरत है। और हम लोग दुनिया के मजदूर हैं। आज हमारा दो ही प्रतीक है, सबसे ज्यादा पढ़ाई करके सबसे बड़ा परीक्षा क्या होता है, आईएएस और आईपीएस का, यूपीएससी। और यूपीएससी जब होता है तो हिंदुस्तान में सबसे अधिक कहां का लोग पास करता है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बुद्धि हम ही को है, यही ना है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर पलटवार करते हुए जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कानून की राज्य की स्थापना की है, यहाँ क्राइम और क्रिमिनल नंबर 9 कंप्रोमाइज की नीति है। भाजपा के लोग एनकाउंटर के नाम पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है, जहां क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। आप प्रशासन के लोग भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं और नीतीश कुमार जी के इस मॉडल की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश में है। लेकिन आजकल भाजपा के लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, इनकाउंटर के नाम पर अपनी ही मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे होना तो ये चाहिए कि कानून के हिसाब से हर किसी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो सजाए मौत ही क्यों ना हो। लेकिन भले ही ये लोग अपनी मार्केटिंग कर लें, देश की जनता इनकी सच्चाई को बखूबी समझती है। वही राजद ने सम्राट चौधरी के बयान पर कहा कि बिहार में कानून का राज है, यहाँ जो कोई गलत करेगा उसकी सजा उसे मिलती है। लेकिन एनकाउंटर मॉडल की बात करें तो करने वाले भाजपा के लोग बताएं रोजगार मॉडल पर कब तक बात होगी। बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो, चाहे कोई असामाजिक तत्व हो, कोई अगर गड़बड़ी करेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन एनकाउंटर मॉडल की बात करने वाले भाजपाई ये बताएं कि रोजगार मॉडल पर कब बात करेंगे। आज तो देश में चर्चा हो रही है बिहार मॉडल की, नीतीश तेजस्वी महागठबंधन सरकार के मॉडल की, जिसमें रोजगार दी जा रही है। एनकाउंटर मॉडल की बात करने वाले लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है और वो दोहरी नीति अपनाते हैं, इसलिए वो एनकाउंटर मॉडल की बात कर रहे हैं। ये बिहार मॉडल है, यहाँ रोजगार का मॉडल चल रहा है, कानून का मॉडल चलता है, कानून व्यवस्था कायम है। बिहार में योगी मॉडल की मांग भाजपा के नेता समय समय पर उठाते रहे हैं। बिहार में भी कई माफिया सक्रिय हैं। आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को उठाकर भाजपा अपराध से त्रस्त लोगों को वोट को लुभाने की कोशिश में अभी से लग गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।